फातिमा सना शेख ने कार्तिक आर्यन पर लगाए गंभीर आरोप। बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख इंडस्ट्री की टैलेंटेड और खूबसूरत अदाकाराओं में से एक हैं। हाल ही में फातिमा सना शेख ने कार्तिक आर्यन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि वो हमेशा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बचपन की फोटोज को शेयर करता रहता है, लेकिन उसने मुझे कभी भी क्रेडिट नहीं दिया है। वो सभी फोटोज बचपन में मैंने क्लिक की थी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो क्रेडिट नहीं देता है, मुझे मेरा क्रेडिट चाहिए। इसके अलावा फातिमा सना शेख ने कोरोना वायरस महामारी के बीच सभी से सेफ रहने के लिए भी कहा है। बीते कुछ महीनों से फातिमा एक के बाद एक फिल्में कर रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है। फातिमा सना शेख ने बताया कि वो जल्दी ही साउथ इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्मों में से एक अरवी के हिंदी रीमेक में दिखाई देंगी। इसके अलावा जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि उनकी अब तक की फिल्मों में एक्ट्रेस का पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है, इस पर एक्ट्रेस ने बताया कि वो अपनी फिल्मों के सभी कैरेक्टर्स को पसंद करती हैं। फातिमा सना शेख जल्दी ही अनिल कपूर के साथ नेटफ्लिक्स की एक फिल्म में भी दिखाई देंगी।